मैं आडवाणी जी को पुनः बधाई दूंगा। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के संस्थापक सदस्य श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से किया जाएगा सम्मानित। और आडवाणी जी का ही नेतृत्व था जिसने भाजपा को दो सांसदों वाली पार्टी से देश के मुख्य राजनीतिक दल के तौर पर स्थापित किया। राम जन्मभूमि आंदोलन को एक नई दिशा देते हुए आडवाणी जी ने गुजरात के सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक राम रथ यात्रा निकाली, जहां उन्होंने नारा दिया, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, ये उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा रहा है कि आज भाजपा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित है और अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। राजनीति और सामाजिक जीवन में उनके इसी अतुल्य योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है।